हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी होम रेमेडीज जो हेयर फॉल को रोककर फास्ट हेयर ग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल हैं। फर्स्ट होम रेमेडी इज वीट ग्रास जूस। दोस्तों, वीट ग्रास में बहुत सारा प्रोटीन, विटामिन ए, सी, ई और अमीनो एसिड्स होते हैं जो हेयर रीग्रोथ में बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर आप 2 हफ्तों के लिए एक ग्लास वीट ग्रास जूस में 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल मिलाकर पीते हैं तो आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बालों में एक नई स्ट्रेंथ और मजबूती आ जाएगी और नए बाल भी जल्दी से उगने लगेंगे। दोस्तों, अनियन यानी प्याज एक बहुत पावरफुल हेयर रिकंस्ट्रक्टर है। इसमें सल्फर बहुत अधिक मात्रा में होता है जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हेयर लॉस को रोकता है। रोज 1 से 2 प्याज सैलड के रूप में ज़रूर खाइए और हफ्ते में 2 बार प्याज का रस बालों और स्कैल्प में आधे घंटे के लिए लगाइए, फिर धो दीजिए। दोस्तों, अनियन जूस स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। कई बार हमारे स्कैल्प पर एक्स्ट्रा ऑयल जमा हो जाता है जो कि हेयर थिनिंग और हेयर फॉल का कारण बनता है, इसलिए हफ्ते में 1 बार अपने स्कैल्प को स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए थोड़े से शैम्पू में 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पाउडर मिला लीजिए और बालों और स्कैल्प को 5 मिनट तक जेंटली इस मिक्सचर से स्क्रब कीजिए और फिर वॉश कर लीजिए। दोस्तों, बेकिंग सोडा बहुत ही इफ़ेक्टिव एंटी फंगल एजेंट है जो स्कैल्प की हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है और मस्टर्ड पाउडर हेयर फॉलिकल्स को नरिश करके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। दोस्तों, कोकोनट मिल्क भी बालों की ग्रोथ के लिए एक एक्सीलेंट रेमेडी है। 1/4 कप कोकोनट मिल्क में 2 टेबलस्पून दही और 1 टेबलस्पून हनी मिला लीजिए और एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। इसे बालों पर और स्कैल्प पर अप्लाई कर लीजिए। बालों पर इसे अप्लाई करने से पहले बालों को थोड़े गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए ताकि हेयर फॉलिकल्स ओपन हो जाएं। फिर इस पेस्ट को स्कैल्प पर अप्लाई कीजिए। 20 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो दीजिए। नेक्स्ट होम रेमेडी इज फेन्युग्रिक सीड्स यानी मेथी के दाने। दोस्तों, मेथी दाना हेयर रीग्रोथ और एलोपेशिया को क्योर करने में बहुत ही हेल्पफुल है। 4 टेबलस्पून मेथी दाना गर्म पानी में ओवरनाइट भिगो दीजिए। सुबह इसे ग्राइंड कर लीजिए। अब इसमें 3 टेबलस्पून विटामिन ई ऑयल मिला लीजिए और स्कैल्प पर इस पेस्ट को अप्लाई कीजिए। आधे घंटे के बाद धो दीजिए। इसके अलावा वीक में 2 बार ऑयल मसाज जरूर कीजिए। कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल को इक्वल अमाउंट में मिक्स करके लाइट मसाज आप अपने स्कैल्प पर कीजिए। इसके बाद गर्म पानी से भीगा टावल 3 से 5 मिनट के लिए बालों में लपेट दीजिए। टावल हटाने के बाद अपने सिर को अपसाइड डाउन कीजिए यानी नीचे की तरफ झुकाइए। इससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन होगा जो कि बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा बलयम योगा से भी हेयर फॉल रुकता है और बाल जल्दी उगते हैं। आपको करना क्या है, दोनों हाथों के नेल्स को 5 मिनट तक दिन में 2 बार रब करना है। थोड़े ही दिन में बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए बाल आने लगेंगे। तो ये थे हेयर फॉल को रोकने और फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए कुछ आसान घरेलू उपाय। इनमें से आप 1 या 2 उपाय अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। और अधिक हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड होम रेमेडीज़ जानने के लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।